जब इरादा बना लिया हो ऊंची उड़ान का, तो फिर क्या देखना कद आसमान का। तो जिसका आपको था इंतजार वो घड़ियां आ गई हैं दोस्तों, समय आ चला है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के नियम कानून जानने का। सब लोगों के जहन में ये सवाल है कि इस फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट को कैसे खेलना है, इस अद्भुत खेल को यूट्यूब के इतिहास में एक अद्भुत खेल कैसे खेलेंगे। तो बिल्कुल जी हां, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के नियम कानून ये रहे आपकी स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में पहला नियम ये रहा, फर्स्ट रूल, ओनली इंडियन सिटीजन हु इज लिविंग इन इंडिया कैन पार्टिसिपेट इन दिस शो। केवल भारतीय नागरिक जो भारत में रह रहे हैं इस गेम शो में भाग ले सकते हैं। मतलब कि यदि कोई भारतीय नागरिक विदेश में रह रहा है तो वो इस गेम में हिस्सा नहीं ले सकता। रूल नंबर टू कहता है, दिस शो विल रन ओनली ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। यू कैन एक्सेस ऑफिशियली महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल ऑन एनी डिवाइस व्हिच इज कंपैटिबल टू यूट्यूब। ये शो केवल यूट्यूब पर ही संचालित होगा। आप सभी महिंद्रा गुरु के आधिकारिक यूट्यूब चैनल का प्रयोग संगत डिवाइस के साथ उपयोग कर सकते हैं, यानी कि ये बिगेस्ट लाइव गेम शो आप किसी भी डिवाइस पर देख सकते हैं। वो डिवाइस कंपैटिबल टू यूट्यूब होना चाहिए। स्मार्टफोन पर आप देख सकते हैं, स्मार्टफोन एंड्रॉइड हो सकता है, एप्पल का हो सकता है या फिर विंडोज का हो सकता है। कोई लिमिटेशन, कोई फाउंडेशन नहीं है, बस एक सीधी से लाइन है कि आप किसी भी डिवाइस पर देख सकते हैं। नियम तीसरा, फॉर पार्टिसिपेशन इन एफ थ्री फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल दैट इज महिंद्रा। अब फ्री में भाग लेने के लिए सबसे पहले महिंद्रा गुरु के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। नियम चौथा, एफ थ्री शो इज द बिगेस्ट लाइव गेम शो ऑन यूट्यूब इन विच क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड बाय द होस्ट एंड द पार्टिसिपेंट विल आंसर इन द चैट बॉक्स ऑफ यूट्यूब लाइव शो। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट शो यूट्यूब पर सबसे बड़ा लाइव गेम शो है जिसमें मेजबान प्रश्न पूछेगा और सभी प्रतिभागी यूट्यूब के चैट बॉक्स में उत्तर देंगे। मतलब यह है इसका कि आपको जो जवाब देना है वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के लाइव चैट बॉक्स पर ही देना है, किसी और प्लेटफॉर्म पर जवाब मान्य नहीं होगा। मतलब आपको ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको यूट्यूब के लाइव चेक बॉक्स पर ही देना है। नियम पांचवा, फर्स्टली द होस्ट विल डिस्प्ले द क्वेश्चन ऑन स्क्रीन बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहले मेजबान स्क्रीन पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रश्न प्रदर्शित करेंगे। मतलब सवाल और जवाब आपको दोनों भाषाओं में दिए जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश भाषा में। नियम छठा, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, द ऑप्शंस विल बी डिस्प्लेड टू आंसर द क्वेश्चंस, टाइम लिमिट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। प्रश्न का उत्तर देने के लिए विकल्प प्रदर्शित होंगे। उत्तर देने के लिए प्रतियोगी प्रतिभागियों को प्रश्न अनुसार समय निर्धारित किया गया है। इसका मतलब यह है कि आपको जवाब देने के लिए ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपको ऑप्शंस में से आपको एक चुनना होगा। हर सवाल के लेवल के अनुसार उसका समय निर्धारित होगा। मतलब यह है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस टाइम लिमिट जो होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, और सवाल का जवाब देने के लिए आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। सातवां नियम, अपर केस एंड लोअर केस बोथ मोड्स आर एक्सेप्टेबल। इफ देयर विल बी एनी स्पेलिंग मिस्टेक आंसर विल नॉट बी कंसिडर्ड। उत्तर बड़े अक्षर एवं छोटे अक्षर दोनों मोड में स्वीकार्य होंगे। यदि उत्तर में कोई वर्तनी यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक की गलती हो जाएगी तो उत्तर मान्य नहीं होगा, यानी कि आपका जो जवाब है आप उसको अपर केस या फिर लोअर केस किसी भी मोड में आंसर कर सकते हैं, दोनों मोड स्वीकार्य होंगे। लेकिन यदि आप स्पेलिंग मिस्टेक कर बैठते हैं तो आपका जवाब जो है वो गलत मान लिया जाएगा। तो विशेष तौर से आप ध्यान रखें यहां पर स्पेलिंग का। नियम आठवां, You should have your profile picture in your account on YouTube channel. If you will become the winner, then your profile picture will be displayed on screen. आपके YouTube channel के खाते पर आपकी profile तस्वीर होनी चाहिए। यदि आप विजेता होंगे तो आपकी तस्वीर भी स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएगी। मतलब fastest finger first में
पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सब्सक्राइब के अलावा अपने अकाउंट में प्रोफाइल फोटो और उचित नाम देना अनिवार्य है, ताकि आपके जवाब को वरीयता दी जाए। और अगर आप विजेता घोषित होते हैं तो आपके नाम के साथ साथ आपकी प्रोफाइल फोटो को भी स्क्रीन पर दर्शाया जाएगा। नौवा नियम, द वन हु विल आंसर द क्वेश्चन स्क्रीन एट फर्स्ट एंड द फास्टेस्ट दैट इज विद इन मिनिमम टाइम ड्यूरेशन विल डिक्लेयर एज अ विनर। जो प्रतिभागी सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे कम समय में उचित उत्तर देगा वह विजेता के रूप में घोषित किया जाएगा। मतलब जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में जो सबसे तेज, सबसे पहले सही जवाब देगा वो बन जाएगा उस सवाल का विजेता। नियम 10वां, वंस यू वांट प्राइस फॉर एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर प्राइस फॉर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द सेम एपिसोड। एक बार यदि आप किसी प्रश्न के लिए पुरस्कृत हो जाते हैं तो आप उस एपिसोड के बाकी बचे प्रश्नों के पुरस्कार पाने के लिए हकदार नहीं होंगे। यानी कि अगर आप पहले ही प्रश्न में इनाम जीत जाते हैं या पहले ही सवाल पे आप विजेता घोषित किए जाते हैं तो बचे हुए शेष सवालों के लिए आप एलिजिबल नहीं है। यानी कि आप जवाब तो दे सकते हैं लेकिन आपके नाम को वरीयता नहीं दी जाएगी। आप अगले एपिसोड में फिर से एलिजिबल हो जाएंगे और आप जीत सकते हैं इनाम। अगर आपने 48 घंटे के अंदर फॉर्म फिल नहीं किया तो आपका जो इनाम है यानी जो आपका पुरस्कार है वो निष्कासित कर दिया जाएगा यानी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अगर आप विनर हैं तो आपको लिंक 48 घंटे के अंदर ही फिल करनी है। देखें नियम 13वां क्या है। 13वां नियम, No one other than an individual can participate in F3 game show. Participation of organization channel shall not be considered. केवल व्यक्तिगत रूप से ही F3 में भाग ले सकते हैं। किसी संगठन चैनल को गेम शो में भाग लेने के लिए अनुमति नहीं है। यानी कि अगर आपका कोई संगठन है या आप कमर्शियल पर्पस से YouTube पर आपका कोई चैनल है तो उसको बिल्कुल अनुमति नहीं है यहाँ पर पार्टिसिपेट करने की। इंडिविजुअली आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं यानी जवाब संगठन का मान्य नहीं होगा, व्यक्तिगत तौर पे आपका जवाब स्वीकार किया जाएगा। नियम नंबर 14, वी विल अनाउंस द नेम ऑफ विनर आफ्टर डिस्प्लेइंग द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन स्क्रीन। द करेक्ट आंसर विल बी कंसिडर्ड ओनली व्हिच इज गिवन बाय द साइड ऑफ चैनल। In case of any dispute, no claim shall be entertained and the channel's decisions will be final. हम विजेता का नाम सही उत्तर करने के बाद घोषित करेंगे। किसी भी प्रश्न का सही उत्तर वही होगा जो चैनल द्वारा निर्धारित किया गया। किसी भी मतभेद की स्थिति में किसी प्रकार का दावा स्वीकार्य नहीं होगा तथा अंतिम निर्णय चैनल का होगा। यानी कि कोई सवाल हमने पूछा और रातों रात कोई मुख्यमंत्री का सवाल अगर मान लीजिए हमने पूछा और रातों रात अगर कोई मुख्यमंत्री बदल जाता है तो जवाब जो होगा यानी जो अंतिम फैसला होगा वो चैनल का ही मान्य होगा। आप उस पे क्लेम दावा नहीं कर सकते। तो देखें 15वां नियम, अंतिम नियम क्या है। द पार्टिसिपेंट विल हैव टू आंसर इन चेक बॉक्स with the options. Correct answers will be displayed on screen. प्रतिभागियों को प्रश्न का उत्तर चैट बॉक्स में विकल्प के साथ देना है। सही उत्तर स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। सबसे अहम पहलू आज के रूल्स का 15वां नियम सबसे खास है। आपको जवाब कहां देना है बहुत ध्यान से सुनिए। जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको YouTube के लाइव चेक बॉक्स पर ही देना है और जवाब के अलावा जो जवाब हम आपको बताएंगे यानी जो सवाल का उत्तर होगा वो भी आपकी स्क्रीन पर ही अवेलेबल होगा। अगर आपको जवाब लगता है क्या फॉर्मेट में आपको कैसे जवाब देना है तो इसको अगर नोट करके पढ़ ले एक बार। आंसर्स विल बी कंसीडर्ड ओनली इन द बिलो मेंशन पॉइंट। फॉर एग्जांपल यदि आपको लगता है कि इसका जवाब ए ऑप्शन होगा या फिर बी ऑप्शन होगा तो ऑप्शंस आपको टाइप करना है फिर स्पेस और फिर आपका जवाब।
उदाहरण के तौर पर एक सैंपल को देखें कि सैंपल क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक सवाल आपके सामने है और चार ऑप्शंस, यही फॉर्मेट होगा, यही लुक एंड फील होगा। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला लुक आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस तरह से आपके सामने सवाल आएगा इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में, ऑप्शंस ए बी सी डी। यदि आपको लगता है कि इनमें से कोई एक आंसर है तो जवाब आपको ऐसे देना है। देखिए ये हमारे सामने बिल्कुल लाइव चेक बॉक्स इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, लाइव चेक बॉक्स जो है इस साइड पे आप देख पा रहे हैं कि चल रहा है, यहां पर आपको लाइव चेक बॉक्स दिखाई देगा और मुझे लगता है कि इसका जवाब जो है क्लोरीन है। जवाब कैसे आपको देना है, आपको डी टाइप करना है और फिर क्लोरीन टाइप करना है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, अपर केस लोअर केस दोनों एक्सेप्टेबल होंगे, गलत तब माना जाएगा अगर आप स्पेलिंग गलत कर बैठते हैं, जैसे कि आप लाइव चैट पर देख भी रहे हैं। जिन्होंने स्पेलिंग की मिस्टेक यहां पर करी उनके जवाब को भी गलत माना गया। स्पेलिंग का विशेष तौर से ध्यान देना है, फॉर्मेट ये रहेगा, अगर डी तो डी लिख के आपको क्लोरीन लिखना है, स्पेलिंग सही, लोअर अपर केस दोनों एक्सेप्टेबल होंगे। तो ये लुक एंड फिल ऐसे आपको जवाब देना है, सारे जवाब YouTube के लाइव चैट बॉक्स पर ही आपको देने हैं, किसी ऐप पर नहीं देने हैं और किसी अदर सोशल प्लेटफॉर्म पर आपको जवाब नहीं देने हैं, सारे जवाब इस लाइव चैट बॉक्स पर ही देने हैं आपको। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के नियम कानून मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल का जिसका नाम है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तो पार्टिसिपेट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्रिप्शन बटन को क्लिक करें और बन जाएं हमारे सब्सक्राइब। दोस्तों फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के नियम कानून हमने देखे, मैं आशा करता हूं कि आपको नियम कानून फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के भली भांति ज्ञात हो गए होंगे और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और पार्टिसिपेट जरूर करें इस अद्भुत खेल में जिसका नाम है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। दोस्तों ये शो हर वेडनेसडे को 10 बजे लाइव होगा एक्सक्लूसिवली ऑन महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल पर, तो देखते रहिए और फिर मिलते हैं आपसे 10 बजे ओनली ऑन महिंद्रा गुरु यूट्यूब।